हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर फिर से एक प्रॉब्लम नंबर 33 यानी क्वेश्चन 33 पे हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या मैंने बना दिया, बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया। देख करके तो बहुत डरावना लग रहा होगा, लेकिन इनमें कॉन्सेप्ट जो होता है बड़ा ही छोटा लगता है। और सबसे मस्त बात यह है कि ये क्वेश्चन कब आया था सर? ये क्वेश्चन आया था AIPMT 2014 में। कब आया था? AIPMT 2014 में आया था। और जैसा कि आपको पता है अब AIPMT का एग्जाम होता नहीं है, वैसे ये नीट में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसका मतलब हम लोग मान के चलेंगे नीट में क्वेश्चन आया था 2014 में। तो क्वेश्चन देख करके तो बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या बोला गया कि डी ग्लूकोज का रिएक्शन जब हम लोग हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? ऑक्साइन बनता है। तो हमको यहाँ पर ऑक्साइन का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन गिवन है और चारों में स्ट्रक्चर बना रखा है, तो देखकर को आपको क्या लगेगा? डर लग रहा है। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ऐसे बनता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच सी, यहां पर ओ एच, देन यहां पे एच, तीसरे कार्बन पे ओ एच इधर रहता है, देन यहां पे एच, फिर ओ एच एच सी ओ एच एच, और यहां पे नीचे क्या हो जाएगा? सी एच टू ओ एच, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, यहां पर अब क्या करेंगे, इसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ करा देंगे। हाइड्रोक्सिलेमीन जो होता है NH2OH होता है, लेकिन हम लोग कैसे लिखेंगे? यहां पर H2, यहां पर देखो क्या होता है हाइड्रोक्सिलेमीन का फॉर्मूला NH2OH, तो हम क्या लिखेंगे? H2NOH। तुम यहां से क्या करो, O और यहां से H2, वाटर को बाहर निकालो। जैसे ही यहां से वाटर बाहर निकलेगा, पूरा का पूरा नीचे का हिस्सा सेम रहेगा, मतलब C के साथ में H है, H लगा देंगे, डबल बॉन्ड के साथ में नाइट्रोजन NOH आ जाएगा, फिर उसके बाद देन यहाँ पे सी ओ एच, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी एच, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ओ एच, यहाँ पे H, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ओ एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा? H, नीचे क्या हो जाएगा? सी एच टू। अब जरा काउंट कर लेते हैं, सिक्स कार्बन है कि नहीं है? ग्लूकोज में तो सिक्स कार्बन होते हैं। यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है, तो ये बनेगा हमारा ऑक्साइन का स्ट्रक्चर। और सबसे मस्त बात यह है कि मैंने कई बार बता रखा है, पढ़ाते समय भी मैंने बताया था कि जब अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही कार्बन से, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड NOH आना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑक्साइन बोलेंगे। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर कहां पे मैच कर रहा है? इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड में देखेंगे तो OH तो इधर भी एक आ गया है, तो ये गलत हो जाएगा। यहां भी देखेंगे तो ये भी गलत है, क्योंकि यहां पर OH दोनों दो बार OH इधर है इस वाले साइड में, और यहां पर भी देखेंगे तो दो बार OH है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल तीसरे कार्बन पर OH उस साइड में होता है, तो ये वाला स्ट्रक्चर ऑप्शन फर्स्ट से मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन का पूछा था AIPMT 2014 में पूछा था, तो इस तरीके से इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।